तो जी जनाब, तो इस वीडियो में जो हमने प्रोजेक्ट देखना है वो है जी टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, अब जो भी मतलब लिखते हैं इंग्लिश में तो वो आपको कंप्यूटर नरेट करके आपको सुनाएगा। तो हमने सबसे पहले इम्पोर्ट पाई टी टी एस एक्स 3, ये एक लाइब्रेरी है, इसको आपने इंस्टॉल किस तरह करना है। इसको आपने इंस्टॉल इस तरह करना है कि आपने ये कमांड, ये आप देख सकते हैं, पिप इंस्टॉल, ये अपने टर्मिनल में आपने चला देना है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने टेक्स्ट ले लिया यूज़र से कि यूज़र को कहा कोई स्ट्रिंग जो है अपनी, कोई भी सेंटेंस जो आप कंप्यूटर से नरेट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आपने नरेटर एक वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया अपनी पाई टेक्स्ट लाइब्रेरी। ठीक है, उसमें आपने इनिशियलाइज करवा दिया उसको। अच्छा, उसके बाद नरेटर डॉट से, ठीक है, नरेटर ये जो आपका, ये जो आपने इनिशियलाइज जो कराया है इनिट से, ठीक है, जो फंक्शन आपने चलाया है, तो ये इसके पास एक फंक्शन होता है से के नाम से, तो वो आपने से चलवा दिया यहाँ पे। नरेटर को कहा कि से करो और से क्या करना है, टेक्स्ट, ठीक है, जो यूज़र ने लिखा है टेक्स्ट। उसके बाद आपने नरेटर से कहा कि रन एंड वेट, ठीक है, एक बार चल के फिर आपने वेट करना और फिर ये बंद हो जाना। ये लिखना इतना ज़रूरी या कह लें नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा एफिशिएंट रहेगा कि वो एरर वगैरह नहीं देगा बाद में। ठीक है, तो अब हम जो है चला के देख लेते हैं। ये मैं, वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं अब कंप्यूटर से बुलवाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह मैं करूँगा, तो मैं ये कोड जो है अपना रन कोड करता हूँ। ठीक है, और अब मैं, वो कह रहा है कि बताओ आपने क्या कंप्यूटर को कहते हो, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, उसके बाद चलाता हूँ, एंटर करता We are हूँ, learning Python. तो ये आपने उम्मीद है सुन लिया होगा, ठीक है, कि ये जो कंप्यूटर है ये आपके लिए जो आप लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो ये सिंपल सा आज का कोड था, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और गिटहब का लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उठा के इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।